हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ है। जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हेलीकॉप्टर हादसे में शौर्य चक्र विजेता कैप्टन वरुण सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के कनौहली गाँव के रहने वाले हैं। इससे पहले दीनापुर हादसे में भी बाल बाल बच गई थी उनकी जान। जनरल रावत का पार्थिव शरीर गुरुवार 9 दिसंबर को दिल्ली लाया जाएगा। यहां एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तक सभी 13 पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। पार्थिव शरीर लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वेलिंगटन अस्पताल जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के सेठ गाँव के रहने वाले थे बिपिन रावत। उनके चाचा भरत सिंह रावत ने बिपिन रावत के निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बिपिन रावत के निधन पर जताया शोक। लिखा, मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विधिवत पहलुओं पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। लिखा, तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए लिखा, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चित्रित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने जताया दुख। बिपिन रावत के निधन पर शोक संवेदनाएं की प्रकट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को सीडीएस पद पर तैनात हुए थे। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक आर्मी चीफ रहे बिपिन रावत। थल सेना के 27वें प्रमुख थे बिपिन रावत। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। बिपिन रावत का परिवार सेना से जुड़ा रहा है। बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। बिपिन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि प्राप्त की। IMA देहरादून में उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। बिपिन रावत 1 सितंबर 2016 को सेना में उप प्रमुख बने थे। 16 दिसंबर 1978 को सेना में अधिकारी बने। 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD की। मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज में भी MPhil किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में MPhil की डिग्री ली।
मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 201.16 करोड़ की 196 परियोजनाओं की दी सौगात। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। राम मंदिर के बहाने सीएम योगी का सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना। कहा, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ये लोग बनाते। क्या कांग्रेस के लोगों से उम्मीद करते थे? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या में राम का मंदिर बनाते? और बबुआ से तो बोलना ही क्या। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों की तुलना कंस से की। जवाहर बाग की घटना का सीएम योगी ने किया जिक्र। जवाहर बाग की घटना तो जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक एडिशनल एसपी द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जैसे उस समय कोई कंस ही साथ साथ सत्ता में विराजमान होकर के भावनाओं को रौंदने का कार्य कर रहा हो। सीएम योगी ने मंच से कहा, पहले विकास के नाम पर खुद के स्वार्थ के लिए बनाई जाती थी योजनाएं। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर लूट खसोट के लिए खर्च होता था पैसा। पैसा ग्राम विकास के लिए नहीं, पैसा तीर्थों के विकास के लिए नहीं, पर्व और त्योहारों के लिए नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर लूट खसोट करने के लिए दिया जाता। घोषणा पत्र जारी करने के साथ कांग्रेस ने जारी किया थीम सॉन्ग। 2:05 के थीम सॉन्ग में प्रियंका गांधी समेत महिलाओं के संघर्ष पर किया गया फोकस। वीडियो के बीच में देश की पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी दिखी। कांग्रेस ने जारी किया महिलाओं के लिए विशेष घोषणा पत्र। प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से पहले महिलाओं के लिए किए कई लोक लुभावन वादे। कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान दिया नाम। महिला घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को मनरेगा में मिलेगी प्राथमिकता। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा, महिलाओं के लिए 10 आवासीय खेल अकादमी, लड़कियों के लिए इवनिंग स्कूल खोलेंगे। प्रियंका ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा किया। घोषणा पत्र में प्रियंका ने बड़े वादे करते हुए कहा, महिलाओं को सस्ता ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास, 10,000 मानदेय सहायता समूह को 4% पर ऋण और राशन दुकानों में 50% का संचालन महिलाएं ही करेंगी। कांग्रेस ने बुजुर्ग महिला और विधवा को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन का किया वादा। कांग्रेस महासचिव ने कहा, हर ग्राम पंचायत में महिला चौपाल बनेगी, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए प्रत्येक पीएचसी में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र दिया जाएगा, बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए, जहाँ पे सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहाँ महिला डॉक्टर भी उपयुक्त होंगी। प्रियंका गांधी ने बताया, पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी देंगे। गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने का वादा। प्रियंका ने कहा, महिलाओं को हर साल 3 फ्री गैस सिलेंडर मिलेंगे। 10 लाख रुपए तक मुफ्त सरकारी इलाज भी मिलेगा। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 60 साल 70 साल वाले जुमले से निकले बाहर, अपना काम दिखाएं। भाजपा के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि पिछले 7 सालों से वह सरकार में है, तो ये जो 60 साल 70 साल वाली रट है ना, एक हद तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उन्होंने क्या किया है उस पर बात करें, और हर चीज के लिए एक समय होता है। ये एक नई पहल है, इसके लिए समय आ गया। एबीपी गंगा से बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, 50% आबादी वाली महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। बोली, आज महिलाओं को राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कहा, महिलाओं की समस्या को सुलझाने की होनी चाहिए कोशिश। प्रियंका ने कहा, महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने की सबकी जिम्मेदारी है।
वाराणसी की शिवपुर विधानसभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह में ओपी राजभर ने जनता को किया संबोधित। 2022 में सरकार बनाने की कही बात। मेरठ रैली में ना पहुंचने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा, सरकार ने परमिशन नहीं दी इसीलिए नहीं जा सके, 23 को जाएंगे। पिथौरागढ़ में दो जिलों की 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं संग भाजपा के आला नेताओं ने कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बीएल संतोष, संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हुए शामिल। वीडियो वैन के जरिए सरकार के काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 23 दिसंबर को किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। 10,000 किसानों से करेंगे संवाद। किसानों के बीच सीधा मौजूद होंगे प्रधानमंत्री। शहनशाहपुर में संगोष्ठी का आयोजन। किसानों को निमंत्रण पत्र देने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सपा में 12 दिसंबर को होगी बड़ी ज्वाइनिंग। एमएलए विनय तिवारी, पूर्व एमपी कुशल तिवारी ज्वाइन करेंगे सपा। विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर भी सपा में होंगे शामिल। बसपा से निष्कासित किए गए हैं तीनों नेता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, मेरे निर्देशन में यूपी की रिजर्व सीटों पर सर्व समाज के मंडल स्तरीय सम्मेलन आज से शुरू हो गए। सभी से पूरे सहयोग की अपील। जनसभा के जरिए सर्व समाज को भाईचारे के आधार पर है जोड़ना। पूर्व सीएम हरीश रावत कर्मचारियों के समर्थन में उतरे। कल सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। सरकार ने कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे का लगाया है आदेश। आदेश के विरोध में हरीश रावत उपवास पर बैठेंगे। NH-74 घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, घोटाले में शामिल थे यशपाल आर्य। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा, दस्तावेज उपलब्ध कराएं तब लगाएं गंभीर आरोप। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के आवास पर गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव से अनेकों युवाओं ने ग्रहण की कांग्रेस की सदस्यता। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का लिया संकल्प। कहा, विधानसभा का हर नौजवान हताश और परेशान है। कहा, 5 साल में लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई सरकार। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। पुतला फूंककर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन। रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दामों ने बिगाड़ा बजट। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने घर में ग्राउंड फ्लोर का निर्माण करा रहे अब्दुल करीम के घर के पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने लाठी डंडों से बोला हमला। घर में मौजूद महिलाओं को भी पीटा, तोड़फोड़ के साथ दी धमकी। पीड़ित ने जिले के SP से लगाई न्याय की गुहार। जौनपुर में बाइक टकराने के विवाद में दो युवकों की बीच सड़क पिटाई। कई लोगों ने मिलकर पीटा। पिटाई के वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खेता सराय थाना क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाना इलाके के खपरिया भूड़ गांव में दो पक्षों के बीच लड़ाई में चली गोलियां। हथियारों से फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। मामूली कहा सुनी के बाद लड़ाई में चले हथियार। घटना में घायल पूर्व प्रधान अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मासूम नौनिहालों से कक्षा शुरू होने से पहले लगवाई जा रही झाड़ू। शिक्षक के आने से पहले हाथों में झाड़ू पकड़कर पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं छात्र। डेरापुर ब्लॉक और संदलपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें आई सामने। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 8,439 नए केस। 195 लोगों की हुई मौत। 9,525 लोग कोरोना से ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 93,733 रह गई, जो कि 555 दिनों में सबसे कम है। दुनिया में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। WHO ने बच्चों में संक्रमण को लेकर दी अहम जानकारी। WHO के यूरोप ऑफिस ने बताया, 5 से 14 साल के बच्चों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। आगरा के मलपुरा क्षेत्र के खजरा में निकला अजगर। खेतों में सिंचाई के दौरान कई फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत में ग्रामीण। वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। कानपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने के 11 दिन बाद भी अब तक काबू में नहीं आया। तेंदुए की चहलकदमी देख वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पीछे हटने का लिया फैसला। कॉर्बेट के झिरना रेंज में बाघिन के हमले में एक वनकर्मी हुआ घायल। रामनगर अस्पताल में घायल वनकर्मी का चल रहा इलाज। अन्य साथियों के साथ कोर जोन में गश्त करने गया था वनकर्मी। मंगलवार को भी कॉर्बेट की सीमा पर गन्ने के खेत में एक महिला को बाघ ने बनाया था शिकार। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पूर्ण कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे। मांगों को लेकर 11 दिन से धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने कहा, पिछले वर्ष आने वाले बैच को लटकाकर नहीं की जा रही नई भर्तियां। कहा, 8 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था उनका चयन।
सीतापुर शहर में किसान संघर्ष मोर्चा ने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर जुलूस के साथ निकाली विजय रथ यात्रा। तीनों कानूनों के रद्द होने पर जताई खुशी, कहा किसान जीत गए। उसरी धान क्रय केंद्र की उदासीनता और लापरवाही के कारण चंदौली के किसान परेशान, एसडीएम ने जांच के बाद क्रय केंद्र प्रभारी को किया सस्पेंड। हापुड़ में ट्रक यूनियन के परिसर से केरोसिन बरामद, ट्रक चालक की तलाश जारी, मिलावटी तेल की सूचना पर छापा मारकर की गई कार्रवाई। वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव की रही धूम, निधिवन राज मंदिर में सुबह 5 बजे वेद मंत्रोच्चार के साथ बांके बिहारी की प्राकट्य स्थली का हुआ महाभिषेक, मंदिर में रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से की गई सजावट। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया, आतंकी के 2 साथियों के इलाके में ही छिपे होने की सूचना। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित, कहा बलिदान देने वाले 700 प्रदर्शनकारी किसानों का करें सम्मान। बैठक में केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी का जोरदार हमला, कहा सरकार किसानों और आम लोगों को लेकर असंवेदनशील, मोदी सरकार भारत की संपत्ति बेचती है, महंगाई करोड़ों परिवारों के मासिक बजट को खराब कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे किए जारी, नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान। बुधवार को 1016 अंकों की बढ़त के साथ 58,649 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 293 पॉइंट के उछाल के साथ 17,469 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और एसबीआई के शेयरों में तेजी, पावर ग्रिड और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरावट के साथ बंद। 8 दिसंबर बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आया मामूली उछाल, 266 रुपए के उछाल के साथ 47,863 रुपए से बढ़कर 48,129 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का रेट, वहीं 396 रुपए के उछाल के साथ 61,523 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। लगातार 34वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं किया, वहीं कच्चे तेल के बाजार में लगातार आ रही तेजी, 2 दिनों में ही क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का हुआ आगाज, दोनों टीम के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है, इंग्लैंड ने टेस्ट में टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। 9 दिसंबर को फाइनली विकी और कैटरीना 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे, कैटरीना और विकी की शादी में शामिल होने के लिए कई मेहमान सवाई माधोपुर में मौजूद। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी खास लाइमलाइट में बनी हुई है, रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की शादी सिक्स सेंस रिजॉर्ट में होगी, शादी में कुल 120 मेहमानों को लिस्ट में शामिल किया गया है, शादी के बाद कपल मुंबई के लिए रवाना होंगे जहां वो ताज लेट्स एंड में रिसेप्शन करेंगे, इसके बाद दोनों हनीमून के लिए मालदीव्स के लिए रवाना होंगे। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ अगले हफ्ते शादी करने जा रही हैं। अंकिता को शादी से पहले अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा, लेग स्प्रेन की वजह से अस्पताल पहुंची अंकिता लोखंडे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने घर पर आराम कर रही हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी के दिल्ली ऑफिस पहुंची, एक्ट्रेस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले में गवाह है, ईडी ने जैकलीन को तीसरी बार इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है, सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। रिया कपूर की पार्टी से करीना कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई सारी फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, रिया के गर्ल्स नाइट आउट में करीना, मलाइका, करिश्मा, मसाबा गुप्ता, अमृता अरोड़ा और पूनम दमानिया ने खूब धूम मचाई और कई सारी डिशेस का जायका लिया।